हेलो हेलो, कैन आई सीट? क्या प्रॉब्लम है आपको? अब इतना इमोशनल क्यों हो? पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम है कुछ तो बता सकते हो आप? मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से बाहर निकाला। क्यों निकाल दिया? मैं जिससे प्यार करती थी उसने मुझे छोड़ दिया है। तो रो क्यों रही हैं आप? क्योंकि उसके लिए मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। तो अभी पेरेंट्स ने निकाला या फिर जिसके लिए आप प्यार करती थी उसने आपको निकाला? जिससे मैं प्यार करती थी। किससे प्यार करती थी आप? सलमान से। तो क्या किया सलमान ने आपके साथ? उसके साथ मैं 2 साल पहले घर छोड़ के आ गई थी और अब उसने भी मुझे छोड़ दिया। तो रो क्यों रही हैं आप? क्योंकि आप क्यों रो रही हैं आप? क्योंकि अब मैं कहीं नहीं जा सकती। घर नहीं जा सकती आप? कहाँ घर है आपका? इलाहाबाद। तो आप चले जाओ। नहीं जा सकती। नाम क्या है आपका? प्रतिभा। और आपके बॉयफ्रेंड का? सलमान। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में क्या किया है? आर्ट साइड। क्यों रहे हो आप? ठीक है, उसने छोड़ दिया तो अब देखो आप अपना। क्यों निकाला उसने आपको? उसने मुझे किसी और के लिए धोखा दे दिया। तो आपने भी तो देखो, आपने भी तो धोखा दिया था ना? मैंने किसी को नहीं दिया। जिस माँ बाप ने आपको इतने से इतना बड़ा तक कर दिया आपने उन्हें धोखा नहीं दिया? आपके साथ रिपीट हो गया? अरे छोड़ दिया तो ठीक है, अब घर जाओ या फिर कुछ और देखो। रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना? रोने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी? रोगी तो इतनी कमजोर हो तुम, मरने से क्या हो जाएगा? चीजें खत्म हो जाएंगी। वो तुम्हें मिल जाएगा या तुम उसको मिल जाओगी? जाने तो जो तुम्हें छोड़ दिया, हो सकता है तुम्हें वो डिजर्व ही ना करता हो। ये भी तो हो सकता है तुम्हें तुम्हें उसने कन्विंस किया, तुम उसके साथ 2 साल थी, उसने जानबूझ के छोड़ दिया। कितना अपने अंदर बुराई देखोगी? मरने से चीजें सॉल्व हो जाएंगी या रोने से? पैसे हैं तुम्हारे पास तो कहां से होंगे आप? अभी क्या करना है? सुसाइड करना है या कुछ काम करना है या सलमान का इंतजार करना है? सुसाइड करना है। उससे कुछ होने वाला है क्या? माँ बाप को फोन किया आपने? क्या बोला उन्होंने? बोला घर आने को? मना कर दिया? तो ठीक है, अब घूमो अपना यहीं पर। मतलब धोखा तो आप दे रहे हो पहले, और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके साथ धोखा ना हो। प्रेम इतना जरूरी हो गया? जिस इंसान ने आपको इतना से इतना कर दिया उसके लिए आपका प्रेम नहीं है भाई? जैसा आप करेंगे रिटेलिएट तो वैसा ही होगा ना। प्रतिभा जी, नाम होने से आदमी प्रतिभाशाली नहीं हो जाता। प्रतिभा अपने अंदर भी लाना पड़ता है। मरना है तो मरो, किसी को फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। यहाँ बहुत लोग मर रहे हैं, तुम भी उसमें एक हो जाओ। अरे छोड़ो, जो गया सो गया, जाने दो। कोई जॉब करोगी? मैं तुम्हें जॉब दे दूं? या मरने का ही प्लान है? एकदम डिसीजन ले लिया कि बस मुझे मरना है? जॉब करनी है कोई? मैं तुम्हें जॉब दिला दूं, उसके बाद भी तुम हो सकता है किसी से फिर अफेयर कर लो। अभी यही करना है जिंदगी भर? जिंदगी भर यही करना है कि काम करना है? पैसे नहीं तो मैं क्या करूं? मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप सुसाइड नहीं करोगे? मैं 2 लाख रुपए दूंगा। एक तरफ तुम्हें सुसाइड करना है, एक तरफ तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या तुम्हें पसंद है, क्या करोगी बताओ? अब तुम 2 लाख रुपए से पढ़ाई कर सकती हो, कुछ काम कर सकती हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकती हो। तो चाहिए सुसाइड नहीं करना पर देखो कैमरा लगा है, सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सब क्या है? मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को दिखाऊं ना। गाइज, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप लोग अपने माँ बाप को धोखा देते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। जो इंसान आपको इतने से इतना बढ़ा देता है उसके बाद आप छोड़ देते हो।
प्यार इतना इम्पोर्टेंट है, माँ बाप इम्पोर्टेंट नहीं है। और इनके जो बॉयफ्रेंड है सलमान, उम्मीद करूंगा कि वीडियो देखकर आप समझ जाओगे, और इनके आसपास मत दिखाई देना आप, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर दूंगा आप समझ नहीं पाओगे। और इसमें लड़कियों की भी गलती है, सारी गलती लड़कों की नहीं है भाई। आप छोड़ के आओगे तो यही होगा, और कोई नहीं खड़ा होगा आप लोगों के लिए। गाइज आपको इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना है, और लड़कों से ज्यादा लड़कियों की गलती है। आप घर छोड़कर क्यों आ रहे हो? आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप जो करोगे रिटर्न आपको वही मिलेगा। और मैं सबकी मदद नहीं कर पाऊंगा, सबसे नहीं मिल पाऊंगा, इंसान होने के नाते आपकी मदद कर रहा हूं। आपने इतने अच्छे काम तो नहीं किए हैं। अगर इनके माँ बाप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर आने का आप मौका दो। आप नहीं माफ करोगे तो कोई नहीं करेगा। ये रोड पर भीख मांगेंगे, माँ बाप आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं, उसके बाद आप उनको अलविदा कह देते हो।